नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ इनकी आई नजर डालते हैं आज की खबर पे। शनिवार को संपन्न हुआ अधिवक्ता संघ मेजा का चुनाव, जिसमें अजय कुमार तिवारी चुने गए मेजा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष। शनिवार को संपन्न हुए अधिवक्ता संघ मेजा के चुनाव में जहां अध्यक्ष पद के लिए अजय कुमार तिवारी और तुलसीदास निर्वाचित घोषित किए गए, वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए रमेश बाबू मिश्रा, मंत्री पद के लिए राजकुमार तिवारी तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए विमल कांत शुक्ला विजयी हुए। सहायक पीठासीन अधिकारी ओंकार नाथ मिश्रा ने बताया कि मेजा बार के कुल 1402 मतों में पड़े मतों की संख्या 993 थी, जिसमें 30 मत अवैध पाए गए। अध्यक्ष पद के तीनों प्रत्याशी में अजय कुमार तिवारी और तुलसीदास को 493 मत, देवानंद सिंह को 243 मत तथा महेंद्र कुमार दुबे को 231 मत मिले। अध्यक्ष पद के लिए अजय कुमार तिवारी और तुलसीदास निर्वाचित घोषित किए गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 250 मतों के अंतर से पराजित किया। उपाध्यक्ष पद के लिए तीन उम्मीदवारों में रमेश बाबू मिश्रा को 444 मत, शिवाकांत पांडे को 310 मत तथा राजेश गुप्ता को 181 मत मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए रमेश बाबू मिश्रा निर्वाचित घोषित किए गए। इसी प्रकार मंत्री पद तीन उम्मीदवारों में राजकुमार तिवारी को 535 मत, दिनेश कुमार दुबे को 326 मत तथा भगवान प्रसाद को 96 मत मिले। मंत्री पद के लिए राजकुमार तिवारी विजयी घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष पद के लिए तीन उम्मीदवारों में विमल कांत शुक्ला को 423 मत, अमित कुमार मिश्रा को 266 मत तथा रमाकांत मिश्रा को 261 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद के लिए विमल कांत शुक्ल निर्वाचित घोषित किए गए। कार्यकारिणी सदस्य पद की मतगणना सोमवार 19 नवंबर को संपन्न कराई जाएगी। प्रयागराज से आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।